नमस्कार, मैं हूं अमित सिरोटी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस एमपी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के तंज का करारा जवाब दिया है। उन्होंने पितृपक्ष में सूची जारी करने को लेकर कहा कि जिन्हें सनातन धर्म का ज्ञान नहीं वो इस प्रकार की बात करते हैं। पितृपक्ष में पुरखे धरती पर आते हैं, पितृपक्ष में नया काम नहीं करते। हमारी पहली सूची तो पहले ही जारी हो चुकी थी। जारी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से शुभ अशुभ देखते रहे, जिन्हें सनातन की समझ नहीं है वो बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। हम तो अपने पुरखों का सम्मान करते हैं और हम जानते हैं कि पुरखे धरती पे आते हैं, ये वो पक्ष है। हमारे धर्म में ही दिया जाता है पानी पुरखों को, और दूसरे धर्मों में दिया ही नहीं जाता है। वहां तो जेल में बंद था, उस बाप को भी कह दिया गया था कि इतनी पानी मिलेगा। और रही बात तो पितृपक्ष की परंपराओं की, तो ये वो परंपरा है जहां नया काम चालू नहीं करते हैं। हमारी सूचियां पिछले 1.5 महीने से आ रही हैं, ये तो वो सोचे जो सूची जारी नहीं कर पा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब तक 22 महिलाओं को टिकट दी जा चुकी है, 5वीं लिस्ट में और भी महिलाओं के नाम शामिल किए जाने हैं। केंद्र में महिला आरक्षण के बाद उनका ये बयान काफी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी के जातिगत जनगणना को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कास्ट की बात पर फास्ट चलने की बात कर रही है, केवल हिंदुओं की जनगणना की बात कर रहे हैं, जो हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद दिखेगी बड़ी बगावत। ये इस गलत फहमी में बने रहे कि उनके भाषण से प्रधानमंत्री जी ने सुधार लिया, पूरा विश्व सुधर रहा है प्रधानमंत्री जी के कारणों से। और जहाँ तक सवाल वनवासी और आदिवासी का है, जो मूल सवाल है आपका, आप इसको, मैंने जो कहा है कि ये इनकी मानसिकता है। जब राजस्थान में गए तो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया, मध्य प्रदेश में आए तो वनवासी और आदिवासी पे सवाल उठाया। इनके दिग्विजय सिंह भगवा पर सवाल उठाते हैं, इनके जो सलमान खुर्शीद जी हैं वो इससे बको हराम से इसकी सुलह करते हैं। यही तो इनकी मूल मानसिकता है। पहले विभाजन किया तो देश तोड़ दिया इस कांग्रेस की मानसिकता ने, इन्हीं के पूर्वज थे। फिर कश्मीर को काटा, पंजाब को काटने की कोशिश की गई, अब जातियों में बांटने की। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आखिर ये इस तरह का जो विभाजन की आप बात कर रहे हैं जाति की, वो सिर्फ हिंदू में क्यों, बाकी जगह तो करो। मनोज जी। कमलनाथ के गंगाजल पर जीएसटी लगाए जाने के सवाल पर कहा कि कमलनाथ हर बात में राजनीति करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान तो नर्मदा यात्रा भी करते हैं और गंगा मैया के पास भी जाते हैं, अब कमलनाथ तो कहीं जा नहीं सकते और उनसे उम्मीद भी नहीं है, इसलिए वो इस तरह की राजनीतिक बातें करते हैं। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश। नमस्कार।